Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? Fine. Okay. Today we are going to discuss our new topic. Lecture number is 10 and unit number of 1. Do you remember what we have discussed in our previous lecture? Very good. The skeleton. Kya discuss kiya tha humne apne previous lecture mein? Skeleton ko. What is a skeleton? The hard material which gives support and shape to our body or body of any living organism. Skeleton क्या होता है? जो support करता है किसी भी living organism को और उसकी body को एक proper shape देता है. Skeleton किस चीज से मिलकर बना हुआ है? How it is made up of? Bones and cartilage. It is made up of bones and cartilage. So student, we have discussed our today's topic, that is bones. What is bone? Bones are made of living cells. Bones kya hoti hain? Jo living cells se milke banti hain. And minerals. Aur kis se? Minerals se. Achha ji, bataiye minerals aate kahan se hain bones mein? Shabash. जी, ये मिनरल्स आते हैं जो फूड हम डेली बेसिस पे खाते हैं, तो ये मिनरल्स उनमें मौजूद होते हैं. कौन कौन से मिनरल्स हैं? कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. क्या आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज अ बिग सोर्स ऑफ कैल्शियम? यस, मिल्क. तो क्या हमें अपनी बोन्स को मजबूत रखने के लिए डेली बेसिस पे मिल्क लेना चाहिए? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. आपको डेली बेसिस पे मिल्क लेना चाहिए, पीना चाहिए. ओके, एंड बोन्स का फंक्शन क्या है? दे कैन बेयर वेट एंड एब्जॉर्ब प्रेशर. बोन्स क्या करती हैं? ये हमारे वेट को, जो बॉडी वेट है पूरा, वो कौन बर्दाश्त करता है? बोन्स करती हैं. और इसके अलावा जो हमें अचानक कोई धक्का लग जाए या हम गिरने लगें, तो ये क्या करती हैं? जो एक प्रेशर बॉडी के ऊपर आता है, ये इसको भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं. और ये होती कैसी हैं? दे आर लाइट एंड रिजिड बट नॉट ब्रिटल. ये हल्की होती हैं वजन में, लेकिन मजबूत होती हैं और आराम से ब्रिटल टूटती नहीं है. भाई ये क्यों नहीं टूटती आराम से? इसीलिए कि इनके अंदर मिनरल्स की डेपोजिशन हुई भी होती है, जिसकी वजह से बोन्स इंतहाई मजबूत होती हैं. और हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि चूंकि ये लिविंग सेल्स हैं, इसलिए वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारी बॉडी की बोन्स भी हमारे साथ साथ ग्रो करती हैं. अच्छा, अब बोन मैरो क्या काम करता है या बोन मैरो होता क्या है? आपने गूदे का लफ्ज सुना होगा, ठीक है? तो बोन मैरो वो गूदा होता है जिसके अंदर हमारे बॉडी के ब्लड सेल्स बनते हैं. रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, ये दोनों सेल्स कहाँ फॉर्म होते हैं? बोन मैरो में. इसके अलावा बोन क्या है? एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू. आप अपनी बॉडी में मौजूद बोन्स को जरा सा फील कीजिए, हाथ लगा के देखिए. आपके हाथ की बोन, आपके सर की बोन कैसी है? ये हार्ड है, सख्त है. और हम इसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं? आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि टिश्यू क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स फॉर्म टिश्यू. हमने यहाँ वर्ड कनेक्टिव क्यों लगाया? ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसके बीच में, सेल्स के दरमियान अगर ये धागे की तरह या फाइबर्स आ जाएं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो बोन्स आर हार्ड कनेक्टिव टिश्यू. हम बोन्स को अच्छी तरह पढ़ चुके, समझ चुके, ठीक है? और कितनी बोन्स है हमारी बॉडी में? ह्यूमन में 206. चले ऐसा करते हैं, हम बोन देख लेते हैं. ये देखिए बोन्स हैं, हार्ड हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है, लिविंग सेल्स हैं. बोन हमारे साथ साथ बढ़ती भी हैं, ठीक है? और ये कैसी हैं? बहुत ही सब आसानी से बोन टूट जाती हैं? नहीं, नहीं टूटती. चलो, वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जनरल प्लेन ऑफ स्केलेटन. द स्केलेटन ऑफ अ मैमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि हम मैमल के स्केलेटन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. व्हाट इज मैमल? इट इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which can produce their young ones and feed them. Okay, this skeleton consists of two parts. Number one, the axial skeleton. Second one is the appendicular skeleton.
What is axial skeleton? It forms the main axis of the body. For example, skull, vertebral column, rib cage form the axial skeleton. Okay. Now see, skull, vertebral column and rib cage. ये जो आपका portion है, ये सारा क्या बनाता है? Axial skeleton. Okay. Now, second part is the appendicular skeleton. It attached to the axial skeleton. It forms shoulder blades, the hip bone, the bones of arms, legs and shoulder form appendicular skeleton. See, shoulder blades, arms, hip bone and legs. All these structure form appendicular skeleton. Okay, हमने ये कौन से skeleton discuss किया? Mammal का. और mammal के अंदर example किसकी है? ये human की. Okay, now we are going to discuss our next topic. अच्छा जी, अभी हमने क्या पढ़ा? आज हमारा first topic क्या था? Bones था. ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं structure. देखिए ये क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या ये bone एक ही है? नहीं ना, यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं. ठीक है, जहां बोन्स आपस में क्या हुई हुई है, एक दूसरे से ज्वाइन हुई हुई है, जुड़ी हुई है. तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां बोन्स आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं, और उन्हीं पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? जॉइंट्स. तो जॉइंट्स क्या है? द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट. कि वो जगह जहाँ पे दो बोन्स आपस में आके मिल जाएं, वो क्या होता है? आपके पास जॉइंट होता है. ठीक है, अगर जॉइंट ना हो तो फिर बॉडी में मूवमेंट भी पॉसिबल नहीं होगी. अब जॉइंट के लिए क्या ज़रूरी है? समटाइम्स जब दो बोन्स आपस में मिलती हैं तो बीच में कुछ स्पेस या खाली जगह होती है. समटाइम्स क्या होता है कि जहाँ टू बोन्स आपस में मिलती हैं वहाँ खाली जगह नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अगर हम इसको स्कल, ठीक है, हमारा स्कल, स्कल भी मुख्तलिफ बोन से मिलके बना हुआ है, लेकिन यहाँ जितनी भी बोन्स आपस में ज्वाइन हो रही हैं उनके बीच में कोई खाली जगह नहीं है. तो समटाइम्स ज्वाइंट में क्या होता है कि कोई खाली जगह नहीं होती, और समटाइम्स ज्वाइंट के बीच में स्पेस होती है. ठीक है, ओके. अब यहाँ इससे रिलेटेड थोड़ी सी टर्म्स हैं, हम उसे देख लेते हैं. और नेक्स्ट टर्म इज लेगामेंट्स. लेगामेंट्स क्या हैं? फाइबर्स हैं, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. और इनका काम क्या है? ये दो बोन्स को आपस में मजबूती से जोड़ के रखते हैं. दो बोन्स को आपस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? लेगामेंट्स कहते हैं. बोन्स आर अटैच टू ईच अदर बाई टफ फाइबर्स इज नोन एज लेगामेंट्स. ठीक है, अभी हमने क्या देखा? लेगामेंट्स क्या है? जो दो बोन्स को आपस में ज्वाइन करके. ये देखिए, ये टू बोन्स हैं और ये आपस में जिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के जरिए जुड़ी हुई हैं उसको हमने क्या नाम दिया है? लिगामेंट्स का नाम दिया है. क्या नाम दिया है? लिगामेंट्स का. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पे आते हैं कार्टिलेज. कल हमने पढ़ा था स्केलेटन में कि स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कि बोन कैसी है? हार्ड कनेक्टिव टिश्यू. और कार्टिलेज कैसे होते हैं? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू. दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू हैं, लेकिन एक है हार्ड और एक है सॉफ्ट. आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो अपनी बॉडी में देख सकते हैं. जरा अपनी नोज की टिप पे हाथ लगाइए, प्रेस कीजिए उसे, फील करें उसका स्ट्रक्चर. इसी तरह अपने एयर पे हाथ लगाइए, उसको प्रेस कीजिए, उसका स्ट्रक्चर फील कीजिए. जी, तो ये है कार्टिलेज. इसी तरह आप अपने हाथ की बोन को प्रेस करके देखिए, हार्ड है. क्या आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कार्टिलेज क्या है? सॉफ्ट बोन. और ये कहाँ मौजूद होती है बॉडी में? इट कवर्स द एंड ऑफ द बोन्स. जहाँ जहाँ हमारी बोन्स ख़त्म हो रही होती हैं तो वहाँ वहाँ क्या मौजूद है? कार्टिलेज. देखिए, ये देखिए, ये बोन यहाँ एंड हो रही है, तो ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर मौजूद है, ये सॉफ्ट बोन. ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ होती हैं? जहाँ जहाँ हमारी बोन्स एंड हो रही होती हैं. और ये क्या करती हैं हमें? ये हमें
कुशन फंक्शन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जैसे आप सोफे पे बैठते हैं तो बीच में कुशन रखते हैं ताकि आप आराम से इजीली बैठ सकें। बिल्कुल ओके। नेक्स्ट क्या है? साइनोवियल फ्लोइड। फ्लोइड क्या होता है? स्टिकी सब्सटेंस या स्टिकी लिक्विड है। यह लिक्विड कहाँ मौजूद है? इट इज प्रेजेंट इन द स्पेस वेयर टू बोन्स रब अगेंस्ट ईच अदर। ये हर उन दो बोन्स के दरमियान मौजूद होगा साइनोवियल फ्लूइड, जहाँ बोन्स आपस में रगड़ खा सकती हैं। रगड़ यानी फ्रिक्शन। ठीक है, तो एक दूसरे से रगड़ खा के बोन्स क्या हो सकती हैं? टूट सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इस फ्लूइड को कहाँ रखा है? दो बोन्स के दरमियान में। ठीक, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, आपने देखा ना गाड़ियों में ऑयल डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि उसके आपस में पुर्जे रगड़ ना खाएं। बिल्कुल यही वाला काम आपका साइनोवियल फ्लोइड करता है। नेक्स्ट आपके पास है कैप्सूल। कैप्सूल, आपने कैप्सूल का स्ट्रक्चर देखा है? कैप्सूल क्या काम करता है? जो मेडिसिन उसके अंदर भरी हुई होती है, जो दवा उसके अंदर मौजूद होती है, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेव करता है। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम हमारी बॉडी में कैप्सूल कर रहा है, जो कहाँ मौजूद है? अ जॉइंट इज इनक्लोज्ड इन अ टफ मेम्ब्रेन कॉल्ड कैप्सूल। जो भी आपके जॉइंट्स होते हैं वो एक टफ मेम्ब्रेन के अंदर क्लोज हुए हुए होते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं? कैप्सूल का नाम देते हैं। और ये कैप्सूल क्या काम करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टेंडन्स। टेंडन्स क्या है? मसल्स आर अटैच टू बोन्स बाई स्ट्रॉन्ग नॉन इलास्टिक फाइबर्स और टेंडन। टेंडन भी आपके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है और नॉन इलास्टिक है। जैसे आपने देखा होगा ना रबर बैंड खिंच जाती है, खिंच के बड़ी हो जाती है, तो वो चीज़ होती है इलास्टिक। ये है नॉन इलास्टिक, यानी ये खिंच नहीं सकते। बल्कि और इनका काम क्या है? ये कहाँ मौजूद है? कि बोन्स जो मौजूद है मसल्स के साथ अटैच हुई हुई है, तो वहाँ जो फाइबर मौजूद है वो है टेंडन। प्लीज़ इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा लिगामेंट्स और टेंडन्स में। जो दो बोन्स, ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ क्या है कि दो बोन्स आपस में एक दूसरे से ज्वाइन हो रही हैं, उस स्ट्रक्चर को आपने नाम दिया है लिगामेंट्स का। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ बोन्स अटैच हैं किससे? मसल्स के साथ, तो उन फाइबर्स को हमने नाम दिया है टेंडन का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स। देखें, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के ज्वाइंट्स बनाए, क्योंकि हमारी बॉडी एक तरह का स्ट्रक्चर शो नहीं करती। तो यहाँ कुछ ज्वाइंट हैं, कुछ ज्वाइंट ऐसे हैं जो फ्रीली मूवेबल है, आराम से हर डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल फिक्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जो स्लाइटली मूवमेंट को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जैसे कि अपने नाम से ही जाहिर है, यहाँ क्या है कि एक बोन का स्ट्रक्चर बॉल की तरह है और दूसरे का सॉकेट की तरह है। और ये कहाँ मौजूद है? शोल्डर में और हिप में। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है कि एक बोन आपकी बिल्कुल बॉल की तरह है, वो सॉकेट में जाके फिक्स हो जाती है, और फिर इन ऑल डायरेक्शन ये क्या करती है? मूव करती है। आप चाहें छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं, अपने शोल्डर को मूव करके देखें। देखें, शाबाश, ये हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है जी। इसी जॉइंट को हम क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट क्या है? हिंज जॉइंट। हिंज का मतलब क्या है? कब्जा। आपने देखे होंगे आपके गेट वगैरह के, जो सिर्फ एक प्लेन पे यानी खुलते हैं और बंद होते हैं। बिल्कुल हमारी बॉडी में ये जॉइंट कहाँ मौजूद है? एल्बो और नी में। ये देखें, ये एल्बो एक्सटेंड हो जाएगी और फिर ये पीछे आ जाएगी, फिर ये आगे हो जाएगी और पीछे, ये और किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती, और यही हमारा नी जॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, तो हिंज जॉइंट समझ में आ गया। ओके, थर्ड जॉइंट कौन सा है? स्लाइडिंग जॉइंट। आप लोग भी स्लाइडिंग करते होंगे, देखा है ना स्लाइड में क्या है? स्लिप होते हैं किसी चीज़ पे। इसी तरह से हमारी बॉडी में कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं कि जो बोन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिस्ट एंड एंकल जॉइंट। इसी तरह जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स हैं, जो वर्टिब्री हैं, वो भी एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? स्लाइडिंग करती हैं, स्लाइड करती हैं। इसी वजह से हम काफ़ी हद तक अपनी बॉडी को आगे या पीछे की तरफ मूव कर लेते हैं। ठीक है, आपने रुकू किया होगा, रुकू इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है कि रुकू में क्या है? सारी वर्टिब्री एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जॉइंट आपके पास है फिक्स जॉइंट। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे जॉइंट हैं जो बिल्कुल फिक्स हुए हैं,
जहाँ मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा स्कल, कि हमारा स्कल मुख्तलिफ किस्म की बोन से मिलकर बना हुआ है और बोन जब आपस में जुड़ती हैं तो वो जॉइंट होता है वो प्लेस। लेकिन ये जॉइंट कैसा है, यहाँ सारी बोन्स कैसी हैं, आपस में बिल्कुल फिक्स्ड हैं, किसी किस्म की कोई मूवमेंट शो आपने कभी देखा है स्कल में कि हड्डियाँ आगे पीछे हो रही हों? नहीं ना, ठीक है। नेक्स्ट आया आपके पास पाइवोट जॉइंट, और ये जॉइंट कहाँ है, द फर्स्ट टू वर्टिब्रा ऑफ द बैकबोन, यानी ये हमारे हेड और पहली दो वर्टिब्रा के दरमियान जो जॉइंट है उसे हम क्या नाम देते हैं, पाइवोट जॉइंट का। और आप अपने सर को मूव करके देखें कि ये काफ़ी हद तक आपको मूवमेंट शो करने के लिए अलाउ कर देगा, काफ़ी हद तक मूवमेंट शो हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने सारे जॉइंट देखे, कौन कौन से, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, स्लाइडिंग, फिक्स एंड पाइवोट जॉइंट। अब यहाँ दो जॉइंट्स हैं जिन्हें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस, देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ किस तरह बन रहा है कि जो फीमर है, फीमर का जो एंड है उस पर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक। और ये जो आपका पेल्विस है इसमें बिल्कुल उसी तरह का सॉकेट मौजूद है। तो इस तरीके से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ क्या बन, यहाँ बन रहा है। अच्छा, अब इस जॉइंट की खास बात हमने क्या देखी, हमने साइनोवियल फ्लूइड का जिक्र किया था। तो ये जो स्पेस है, ये जो आपको ब्लू ब्लू से नज़र आ रहा है, ये क्या है, फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड, जो इन दोनों बोन्स को आपस में फ्रिक्शन या रबिंग से बचा रहा है। और ये है ब्लैक से उसकी मेम्ब्रेन, और यही साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड को प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, लिगामेंट्स। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि लिगामेंट्स का फंक्शन क्या है, कि दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और इसके अलावा ये दो बोन्स को आपस में जॉइन करके रखते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह समझ में आ गया कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस तरह से बनता है, कि एक जो आपकी बोन है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर शो करती है और दूसरी बोन में उसी का सॉकेट मौजूद है। और ये वाला जो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट को शो करता है या मूवमेंट करवाता है। नेक्स्ट देखिए हैंड जॉइंट, हैंड जॉइंट सिर्फ एक ही एक्सिस, एक ही प्लेन पे मूवमेंट करवाते हैं, यानी आप आगे और पीछे कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए भाई यहाँ क्या है, यहाँ आपकी बोन है फीमर और नीचे क्या है टिबिया, ये दो बोन्स हैं, इनके दरमियान ये देखिए छोटा सा इन्होंने एक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर भी यहाँ शो किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कार्टिलेज के बाद आपको क्या नज़र आ रहा है, साइनोवियल फ्लूइड नज़र आ रहा है और यहाँ आपको मसल भी नज़र आ रहा है, ठीक। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि जो बोन्स मसल से अटैच हुई हुई है वो किस फाइबर के ज़रिए, जी बिल्कुल शाबाश, टेंडन के ज़रिए अटैच है, ठीक है। और बोन के आखिर में क्या स्ट्रक्चर मौजूद है, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर मौजूद है, और दोनों बोन्स के दरमियान कौन सा फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड मौजूद है, ठीक है। आप ज़रा अपनी जो आपका नी जॉइंट है उसको मूव करके देखें, देखें शाबाश, वो सिर्फ एक ही प्लेन पे आपको मूवमेंट शो करवाएगा। तो ये किसकी एग्जांपल है, एक प्लेन पे मूवमेंट हिंज जॉइंट की, जो कहाँ मौजूद है, नी और एल्बो। इस तरीके से हमने अपने तमाम जॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आइए अब हम होमवर्क की तरफ चलते हैं, क्या करने हैं भाई आपको, राइट क्वेश्चन नंबर 2 इन जर्नल एंड क्वेश्चन नंबर 5 and 6 इन बुक। और आपने दूसरा काम क्या करना है, रिवाइज करना है क्वेश्चन नंबर 1 को कहाँ से कहाँ तक, उसके डी पार्ट से लेके एफ पार्ट तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, राइट टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, रूट, फ्लावर, सेंसरी ऑर्गन्स एंड स्केलेटन। स्टेम और लीफ को छोड़ दीजिए, यह हम अब पीछे कर चुके हैं, आपको आपने पूरा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया है। अब आपको खुद से सबके फंक्शंस, इन सब के फंक्शंस सर्च करने हैं, ठीक है। अपने टॉपिक्स को रीड कीजिएगा, सर्च कीजिएगा और फिर जर्नल में प्रॉपर लिख लीजिएगा। किस किस का लिखेंगे आप, रूट, फ्लावर, सेंसरी ऑर्गन एंड स्केलेटन, ये आपको खुद से करना है। अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नेम द टाइप ऑफ जॉइंट। अभी हमने अच्छी तरीके से जॉइंट पढ़े, टाइप ऑफ जॉइंट पढ़ा, डायग्राम भी आपने देखी, अब आपको इन दोनों के नाम लिखने हैं कि कौन सा जॉइंट का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मैच द पार्ट ऑफ द बॉडी टू इट्स डिस्क्रिप्शन, कि आपको पार्ट ऑफ द बॉडी यहाँ से देखेंगी और उसको मैच करेंगी नेक्स्ट कॉलम से जो उसकी डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिएगा 1 to 8, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद जैसे फर्स्ट क्या है आपके पास पार्ट ऑफ द बॉडी में, हेड। अब हेड इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, कंटेन द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन एंड सिस्टम। क्या हेड के अंदर सारे के सारे ऑर्गन एंड सिस्टम्स होते हैं, या कंटेन द माउथ एंड द सेंसरी ऑर्गन, के हेड के अंदर माउथ मौजूद है और हमारे सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये ठीक है इसका, तो इस तरह से 1 डाल दीजिएगा, बाकी आपको खुद से
पढ़ के समझ के करने हैं। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।